बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अंबिया वल मुरसलीन, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दूरों नज़दीक से जो भी अपने पर आए सब जो देख रहे होंगे, ये देखिए अभी फिर मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ। मैं अक्सर किचन में होती हूँ ना, तो मेरे माइंड में आता है कि, और हुक्म भी यही है ना, कि जो अच्छी चीज़ हमें मालूम हो या जो फ़ायदा मंद चीज़ मालूम हो तो वो हमें ज़रूर एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए कि किसी का भी भला हो जाए। समटाइम लोग छोटी छोटी बातें होती हैं और मगर फोकस नहीं करते हैं। तो ये देखिए, एक कप में आपको कॉफ़ी आप देख रहे हैं। ये मुझे छींको आने लगी थी, मैंने उसको रोकने की कोशिश की है। वैसे रोकनी नहीं चाहिए, पर मैंने कहा कि फिर वो खुद ही रुक गई है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं उसको रोका। एनीवेज ये देखिए, ये जो है ना मग में कॉफ़ी, मग या कप स्मार्ट सा है बस, तो वैसे मेरा फेवरेट है। इसका ग्रीन बॉर्डर है ना, ये इसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे फ्रेंड्स को मालूम है। और ये ग्लास में पानी है, और ये मैंने आपको बताया था मेरे बेटों ने ज़िद करके मुझे गिफ्ट किया। और इसका कवर जो है ना, ये किटी, ये थोड़ी सी पेल इसका फेस एक तरफ से हुआ हुआ है। ये एक दिन ओवन में रख दिया ना मेड ने, तो वो उसके, मैंने उसको बोला कि मुझे पानी गरम ज़रा ग्लास ला के दो, तो उसने मेरा ये ग्लास जो है कवर के साथ ओवन में रख दिया, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा जी, तो ये टिप ये है कि दोनों चीज़ें देखें, डिफरेंट चीज़ें, आग और पानी, यानी पानी और कॉफ़ी जो है इकट्ठे पड़े हुए हैं। मिल्क कॉफ़ी देखिए, मैंने कितनी अच्छी कॉफ़ी बनाई है। किस वक्त मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे 5 मिनट में बगैर ज़्यादा तरद्दुद के आप कैसे कॉफ़ी अपने लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए ज़रा कैसी फ्लफी, माशाल्लाह। तो ऐसा है कि जब भी आप चाय पीने लगें या कॉफ़ी पीने लगें, तो यू हैव टू जो है ना, आपको लाजिम तौर पर अपनी आदत रखें, लाजिम तौर पर सारी ज़िंदगी, आप जिस भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ है आपका, कि पहले थोड़ा सा पानी पिएं, सिप सिप कोई हाफ ग्लास आप पानी पिएं, और उसके बाद फिर चाय या कॉफ़ी पिएं। और चाय या कॉफ़ी भी जो पिएं वो बिल्कुल खाली मत पिएं, उसके साथ कोई कुकीज़ एक दो ले लें। देखिए मैं खुद वेट कॉन्शियस हूँ, और इन दिनों में मैंने राउंड अबाउट लाइक 15 डेज में मैंने 3 kg वेट लूज़ किया। मज़ीद ज़्यादा नहीं करना, खैर अब जैसे अल्लाह पाक ने जिस डिज़ाइन में हमें बनाया हो तो उसी के अंदर रहते हुए हमें फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए। एक्सट्रीम अपोजिट नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हेल्दी जो फ्रेंडली फैट है ना उसको नहीं बर्न करना होता, उसकी तो हमें सारी ज़िंदगी ज़रूरत होती है। तो ये देखें जी, मैं अब कॉफ़ी पीने लगी हूँ, और साथ मैंने पानी रखा है। पहले मैं आधा गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी के साथ एक दो कुकीज़ भी लूँगी। और ये अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक्सट्रीम पे ना जाए, एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती। ठीक है जी, देखिए मैंने कितनी अच्छी टिप दे दी आपको, अब इस पर अमल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा, सेहतमंद रहिए और बी ब्यूटीफुल। कैसे रह सकते हैं आप, बी हेल्दी बी ब्यूटीफुल, ये मेरी ऐप का भी नाम है जो मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग करती हूँ और इनफर्टिलिटी के लिए भी लोगों के मसाइल हल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस मेरी ऐप का नाम भी है बी हेल्दी बी ब्यूटीफुल। आप मोटे हैं या पतले हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप लंबे हैं या नाटे हैं, आपको सेहतमंद होना चाहिए। ज़िंदगी सेहत का नाम है,